नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज संसद के सेंट्रल में श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। नेताजी जयंती पे पराक्रम दिवस मना रहा है देश, अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रधानमंत्री मोदी ने किया द्वीपों का नामकरण। अमित शाह पोर्ट ब्लेयर में मौजूद हैं। सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम का भी प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। नेताजी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, सभा को किया संबोधित। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, नेताजी ने कहा था देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी है और संघ वही कर रहा है। संघ प्रमुख ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी अपना स्वार्थ नहीं साधा, पूरा जीवन कर दिया देश को समर्पित। नेताजी की बेटी का आरएसएस पर बयान, कहा मेरे पिता का संघ से कोई वास्ता नहीं। नेताजी की बेटी ने कहा, मेरे पिता थे लेफ्टिस्ट, आरएसएस की विचारधारा उनसे अलग। नेताजी की जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागी नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने किया कमीशन। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा रामचरितमानस को बैन। मौर्य के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार, बोले जनता ने नकार दिया तो इस तरह की भाषा से चर्चा में आना चाहते हैं। मौर्य के बयान पर भड़के यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा ऐसा बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक बोले, जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं स्वामी प्रसाद। अयोध्या के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के समागम में सुल्ताना बनी सुरभि, स्वेच्छा से किया धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, चमत्कार से किसी समाज का भला नहीं होता, जड़ता आती है। चमत्कारी बाबाओं को सीएम बघेल ने दी चुनौती, खत्म हो रहा जोशीमठ, चमत्कार है तो बचा लीजिए। बागेश्वर धाम पर मचे बवाल पर वीएचपी नेता चंपत राय का बयान, ईश्वरी शक्ति है, किसी को भी मिल सकती है, आलोचना करने का भी सबको अधिकार है, जिसको करना हो करे। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर साधु संतों की दिखी प्रतिक्रिया, कोई सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला बता रहा है तो कोई इसे धर्म विरोधी मुहिम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन, जम्मू कश्मीर के सांबा में आज विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ दिखा भारी सुरक्षा दस्ता। जम्मू कश्मीर में 3 IED धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं बड़े सवाल, नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही है राहुल की यात्रा। जम्मू ब्लास्ट को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा कहीं ये विस्फोट यात्रा रोकने की साजिश तो नहीं थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन, श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा समेत सुरक्षा के मुद्दे पे अहम बैठक की थी, जारी किया गया था अलर्ट।